सवाल पूछ ले ओए 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 सनी जी आपको पता है कि जो बॉलीवुड में होते हैं उनमें स्टार्स वैल्यू काफी होता है स्टार जो होते हैं वो अपने कंधे पे फिल्म को चलाते हैं लेकिन आप एक ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिसके बल पे फिल्म चलती है आप ये मानते हैं बात को नहीं यार अच्छी स्क्रिप्ट के बल पे फिल्म चलती है कोई 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 नहीं चलाता दूसरा लो लेकिन कई सारी फिल्में हैं जिनमें जो भी आपका किरदार रहता है जो भी आप रोल प्ले करते हैं वो एक मेजर हाईलाइट होता है हाँ वो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि जो अच्छा है वो दिखाया जाए अपने तरह की मेहनत की जाए मैं अपने तरह से प्रयास करता हूँ और आप लोगों को पसंद आता है तो शुक्रिया है धन्यवाद है अच्छा ये बताइए जो फुल कमर्शियल फिल्म होता है और जो इस तरह की फिल्म होती है फिलोसफिकल होती है इंटेलेक्चुअल फिल्म होती है उसमें एक आर्टिस्ट को कितना एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है ज़िंदगी के ज़्यादा नज़दीक चीज़ को अगर आप पोर्ट्रे करेंगे तो आपको उसको ज़िंदगी के नज़दीक ही रखना पड़ेगा अपने आप को ज़िंदगी के नज़दीक रखना पड़ेगा अदरवाइज जो देखने वाले हैं वो आपके नज़दीक नहीं हो पाएंगे बिकॉज आपके पास कोई इमोशन नहीं है तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है और जब आपको स्क्रिप्ट आई थी तब आपने पढ़ा लगा कि हाँ स्क्रिप्ट कुछ दमदार है वाकई दमदार है तो लगा मुझे नीरज गैवान ने घर आकर के स्क्रिप्ट सुनाई थी बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट लगी सुनने में दिखा दिया उसने मुझे तो मुझे लगा डायरेक्टर एकदम क्लियर है अपने मैं भी क्लियर हूँ बनारस में शूटिंग कर रहे हैं लेट्स गो लेट्स डू इट अब जो बन चुकी है आपने देखी नहीं मैंने नहीं देखी अभी लग रहा है जो जैसा कहा था जिस तरह के इमोशन को मतलब अभी ये कहना गलत है क्योंकि कांस में ऑलरेडी इसको बहुत सारे सलूट मिल चुके हैं इस फिल्म को सो अभी कहना गलत है ये अच्छा है फिल्म इमोशनल है कर रही है काम कर रही है जी फिल्म जब कांस फेस्टिवल में या किसी भी फेस्टिवल जाती है सराही जाती है तो लगता है कि इंडियन ऑडियंस भी उसको ज़्यादा पसंद करेगी देखिए मशान जो फिल्म है इंडियन इमोशन टोटल इंडियन इमोशन है और कांस वाले जब आपके इंडियन इमोशन को प्रेस कर रहे हैं तो इंडियन तो करेंगे ही इतने तो हक बनता है सर लोग आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही सराह रहे हैं शुरू पिक्चर के शुरू के दो चार पाँच दिन रिलीज तक तो मुझे नहीं बिलीव होता ये मैंने किया है फिर एक दो साल बाद देखते हैं तो एंजॉय करते हैं हाँ शुरू के दिनों में लगता है क्या है क्योंकि आप इतना टेक्निकली उससे रिलेटेड रहते हैं रिलीज होने के कुछ दिन पहले डबिंग करते हैं सारी चीज़ें फिर लेकिन बाद में अच्छा लगता है अच्छा ग्रुप इंटरव्यू